हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो है आलू बीन्स की सब्जी। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए हम देखते हैं कि मैंने कैसे बनाई है। तो आलू और बीन्स की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे आलू, दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उनको बीच से कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिए हैं बीन्स, जिनको हम बरबटी भी बोलते हैं, तो इसको मैंने छोटे छोटे साइज में कट कर लिया है और इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसको बॉईल करेंगे। तो कुकर में हम इसको डाल देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुकर में बीन्स और आलू को डाल दिया है और आधा गिलास मैं पानी डालूंगी इसमें और 1/4 टेबल स्पून इसमें नमक डालूंगी। अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे कुकर का और 3 से 4 सीटी आने तक इसको बॉईल कर लेंगे। ये देखिए, 3 से 4 सीटी आ चुकी हैं। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। अब इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसमें से बीन्स और आलू निकालेंगे। तो कुकर ठंडा हो चुका है ये देखिए, और बीन्स और आलू भी परफेक्ट बॉईल हो चुके हैं। ये देखिए, ये अच्छे से बॉईल हो चुका है, आलू भी और बीन्स भी। अब मैं इसी चम्मच की मदद से इसको निकाल लूँगी इस छलनी में, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो भी रिमूव हो जाए। ये देखिए, मैंने इसको एक छलनी में निकाल लिया है। अब इसको ठंडा होने देते हैं थोड़ी देर, और जितना भी पानी होगा वो पूरा निकल जाएगा। और आलू ये जो हैं इनको हम छील लेंगे, इनके छिलके निकाल देंगे। तो अब हम इसको ठंडा होने देते हैं। ये देखिए, ये अभी ठंडा हो चुका है और आलू को भी मैंने छील लिया था और इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसको क्या करना है, ऐसे हाथ में लेके इसका और भी जितना भी पानी है उसको रिमूव कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये देखिए ऐसे ड्राई हो जाएगा, तो हम बाकी भी कर लेते हैं। ये देखिए, सारा पानी मैंने रिमूव कर दिया है और अच्छे से ये सूख चुका है, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब हम इसकी सब्जी बनाते हैं। ये देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसकी सब्जी बनाने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बीन्स और आलू लिया है। नेक्स्ट मैंने लिया है दो हरी मिर्च ली है, जिसको काट लिया है, और यहाँ पे 5-6 लहसुन की कलियों को काट के रखा हुआ है। यहाँ पे एक मीडियम साइज का टमाटर काट के लिया हुआ है और ये मीडियम साइज का प्याज लिया हुआ है काटकर। तो चलिए अब हम इसकी सब्जी बना लेते हैं। ये देखिए, गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाने पर हम इसमें प्याज और मिर्च ऐड करेंगे। प्याज और मिर्च को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक आपको भूनना है। प्याज और मिर्च हो चुकी है, हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो आप डालिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। अब हम टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए, सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम टमाटर को थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। टमाटर हो चुका है, अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि हम बॉईल करते टाइम डाल चुके हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच धनिया पाउडर, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मसाला हमारा भून चुका है, अब हम इसमें बॉईल की हुई सब्जी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको ढक के 1 से 2 मिनट के लिए
पकाएंगे। ये देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, सब्जी हमारी बन चुकी है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए सर्विंग बाउल में मैंने निकाल लिया है, और इसको गार्निशिंग के लिए आप इसके ऊपर धनिया भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो सब्जी हमारी बनके एकदम तैयार है, गर्मा गर्म आप सब सर्व कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ या अदर कोई एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।